सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में नंबर वन पे कैसे ला सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है सर्च में नहीं आता है तो मैं आज के इस वीडियो पे एक ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिसके जरिए आपका जो यूट्यूब चैनल है सर्च में नंबर वन पे आने लगेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ ही ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेजेबल है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने YouTube चैनल का जो नाम होता है उसको आपको यूनिक रखना है, यानी कि सबसे अलग नाम रखना है। आपको सबसे पहले YouTube पे सर्च करके देख लेना है कि जो आप YouTube चैनल का नाम रखें वो चैनल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग बना सकते हैं, अगर है तो आपको एकदम यूनिक बनाना है, जो कि यूट्यूब चैनल पर जो है आपको मतलब यूट्यूब पर आपको जो है देखने को नहीं मिलता है नाम, उस नेम से अपने यूट्यूब चैनल जो है बनाना है। अगर उसके बाद भी आपका चैनल जो है सर्च में नहीं आता है तो चलिए मैं दोस्तों चलता हूँ लैपटॉप के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है ताकि आपका जो YouTube चैनल है वो YouTube पे जो है नंबर वन पे सर्च में आने लगे। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप के होम स्क्रीन पे। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने जो ओपन करने के बाद डेस्कटॉप मोड जो होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है www.youtube.com, इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको दोस्तों यहाँ पे वेट कर लेना है, थोड़ा सा सर्चिंग करेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। वेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी चैनल होगा यहाँ पे आपका लोगो दिखाई देगा आपके चैनल का, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ इस साइड में आपको देख सकते हैं लोडिंग ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देख सकते हैं। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है YouTube स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको दोस्तों वेट करना होगा, तो देख सकते हैं अभी दोस्तों मेरा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं इधर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, तो इधर आपको सेटिंग जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है, चैनल यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको कीवर्ड दिखाई देता होगा, तो आपको करना क्या है कि आपका चैनल पर अगर नहीं दिखाई देता होगा, मैं पहले से लगाया हूँ इसलिए मेरा दिखाई देता है, तो देखिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और आप लोग को लगा कर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको लगाना है। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पे हटा लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी चैनल है उस चैनल का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक ए केस, तो यहाँ पे मैं टेक ए केस करके यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ इस तरीके से टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटर कर देना है। फिर दोस्तों आपको उल्टा करके नाम इसको टाइप करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे टाइप करता हूँ ए केस टेक, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं बड़ा में करके कर लेता हूँ, जैसे कि टेक हो गया मेरा, फिर यहाँ पे स्पेस देकर ए केस हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करते जाना है, बहुत ज़्यादा बार करना है, लगभग 10 बार 20 बार आपको ऐसे करके कीवर्ड को लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन जिसका सेव लिखा हुआ है, तो सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो चैनल है कुछ घंटों बाद आपका जो चैनल है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो नंबर वन पे दिखाने लगेगा। तो यही दोस्तों ट्रिक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।